लेकिन जनपद बागपत के जो लोग हैं उन्होंने अपनी देशभक्ति, अपनी जो देश के प्रति सम्मान है उसके प्रति में कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी, कई दिनों से लोगों की अपेक्षा थी कि एक ऐसा महोत्सव का कार्यक्रम किया जाए। और आज क्योंकि छुट्टी का दिन है तो सभी लोग उपलब्ध हैं। हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो हर घर झंडा तिरंगा कार्यक्रम है 13 से 15 तक, उसकी जागरूकता के लिए, देश के सम्मान के प्रति जागरूकता के लिए, झंडे के प्रति अपनी कृतज्ञता के लिए आज ये सभी लोग हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और इसमें हम लोग जन जागरूकता कर रहे हैं किस प्रकार से झंडे का सम्मान करना है, किस प्रकार से अपने घर पर तिरंगा लगाना है। उसी क्रम में आज हम लोग जाट कॉलेज होते हुए बड़ौद के नगर से, मार्केट से, गाँव होते हुए बागपत के पृथ्वीराज कॉलेज तक जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल झंडा पहुँचाया जाएगा, बिल्कुल उनको किसी प्रकार का कोई धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक सहभागिता कार्यक्रम है, जो लोग कर सकते हैं वो अपने ओर से कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए सरकार, प्रशासन और जो हमारे समाज से भी लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो सहयोग कर सकते हैं वो लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। और किसी प्रकार से कहीं पर भी कोई असुविधा किसी को नहीं होने की चाहिए। कहाँ तक जाएगा, क्या संदेश दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे बागपत की जनता के तरफ से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज जैसे हमारे बागपत में शुरू हो रहा हर घर तिरंगा यात्रा शुरू हो रही है, कल से 13 से लेकर के 15 तारीख तक पूरे देश के अंदर हर घर तिरंगा का अभियान शुरू हो रहा है। और ये केवल मात्र, जैसे मैंने कहा, ये केवल मात्र राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा नहीं, राष्ट्रीय सम्मान की यात्रा नहीं, ये भारतीय संस्कृति का सत्य सनातन परंपरा की यात्रा है, इस देश की संस्कृति की यात्रा है। हमारा केसरिया रंग झंडे के अंदर ये ज्ञान, त्याग और जिसको हम बोलते हैं शांति का प्रतीक है। हमारा हरा रंग हरी भरी भूमि का, सच सामला जमीन का और जो धन्य धान से परिपूर्ण जमीन का जो है प्रचायक है, देश के चौमुखी विकास का प्रतीक है। और हमारा सफेद रंग हमको शांति दे, दुनिया के अंदर शांति हो, विश्व शांति हो, उसका प्रतीक है। और इस सफेद रंग के अंदर जो चक्र है, अशोक चक्र जिसको हम बोलते हैं, जो धर्म चक्र है, वो सारी दुनिया को धर्म का जो है संदेश देता है। इसलिए मैं आज इस दिन बागपत के अंदर जो ये तिरंगा यात्रा निकल रही है, जहाँ पूरे बागपत के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को मैं आज के इसकी बधाई देता हूँ। तिरंगा यात्रा हम जो है इस देश का राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है, सारे समाज के अंदर, सारे देश के अंदर देशभक्ति की धार बहे, उसके देश के प्रति, देश के सम्मान के प्रति हम लोग जो हैं कटिबद्ध हों, ये एक संदेश देने वाली यात्रा होगी। आज की यात्रा बड़ौद जाट गोली से शुरू होकर के बड़ौद के मार्केट से निकलती हुई और बीच में सरूर पर, डोडी सरूर पर होते हुए बागपत पहुँचेगी। बागपत के मेन बाजार से होती हुई सम्राट पृथ्वीराज कॉलेज के अंदर वहाँ पर इसका समापन होगा। और आज हम लोगों ने लगभग 20,000 राष्ट्रीय ध्वज को, झंडों का वहाँ पर जो है वितरण भी रखा है, ताकि अपने सभी लोगों को ये झंडे मिल सकें। और जो घर बचे हैं, कल से सब घरों के अंदर ऊपर जो है राष्ट्रीय ध्वज का परचम लहरा है। मैं अपनी तरफ से और प्रशासन की तरफ से अपने मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ, प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, हमारे कलेक्टर जो हैं श्री राजकमल यादव जी, उनके सभी अधिकारियों का, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आज यहाँ पर